सरकार के तालाब को स्वच्छ बनाने के अभियान पर पानी फेरता प्रशासन। मौजूदा समय और 2021 की गणना के मुताबिक लखनऊ में कुल 9591 तालाब। प्रशासन के अनुसार 1614 तालाबों पर अतिक्रमण है, इनमें से 430 नगर निगम की सीमा में, शेष बचे 1194 ग्रामीण इलाकों में। मुख्यमंत्री योगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तालाब को सौंदर्यीकरण करने के लिए मोटा बजट खर्चा कर रहे हैं, लेकिन आखिर क्या कमी रह गई जो तालाबों को कब्जा मुक्त नहीं कराया जा रहा है? कमी है स्थानीय प्रशासन की और वहां के कुछ कर्मचारियों की, जिनकी मिलीभगत से सरकारी तालाबों पर रॉ हाउसेस और बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतें खड़ी हो जाती, और जब कोई घटना होती है तो वह बहुमंजिला इमारतें धड़धड़ा कर गिर जाती हैं और कईयों की जान भी चली जाती है। ऐसा ही मामला लखनऊ के बिजनौर घसियारी टोला का है, जहां पर 200 अवैध रॉ हाउसेस तैयार हो गए। सूत्रों की माने तो 2635 सा खसरा तालाब पर है और सरकार की आधिकारिक वेबसाइट भूलेख पर जलमग्न भूमि में भी दिखाई देती है। सूत्र बताते हैं कि जिस पर अवैध रूप से स्वप्निल इंडिया कंपनी के मालिक सर्वानंद दुबे और उनके सहयोगियों द्वारा अवैध निर्माण बदस्तूर जारी है और तालाब पर बड़े स्तर पर कब्जा भी कर लिया गया। नियम कानूनों की जमकर धज्जियां भी उड़ाई जा रही, जिस पर उप जिला अधिकारी सरोजनी नगर मौन भी है और लखनऊ जिला अधिकारी कोई एक्शन नहीं ले रहे। लखनऊ विकास प्राधिकरण भी कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। सूत्र बताते हैं कि ना कोई मानक है, ना कोई अप्रूवल, और सरकारी तालाब की जमीन पर कब्जा करके क्षेत्रीय प्रशासन के कुछ भ्रष्टाचारी कर्मचारियों की मिलीभगत से तालाब पर ही प्लॉटिंग और रॉ हाउसेस बनाने का काम धड़ल्ले से चल रहा है, जिसकी तस्वीर हमारी इस खबर के माध्यम से आप देख रहे हो। देखने की बात यह रहेगी कि सरोजनी नगर के नए उप जिला अधिकारी और लखनऊ के तेज तर्रार डीएम आखिर क्या कुछ एक्शन करेंगे।